जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डिविजनल कमिश्नर का लाइफ स्टाइल किस टाइप से होता है, उनका पूरा दिन किस टाइप से बीतता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि कमिश्नर केवल IAS में नहीं बल्कि IPS, IRS इन सभी में होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में डिविजनल कमिश्नर की लाइफ स्टाइल किस टाइप से होती है। डिविजनल कमिश्नर एक IAS ऑफिसर्स होते हैं और इनके अंडर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंडर में कई सारे कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहे होते हैं। जो डिविजनल कमिश्नर या तो ऑफिस में बैठे बैठे पूरा दिन काट रहे होते हैं या फिर नेताओं की चापलूसी करने में दिन काट देते हैं, उनके बारे में इस टाइप की लाइफ स्टाइल के बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो लोग रियलिटी में फील्ड में रह करके कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं और अपने फर्ज को अच्छे से निभा रहे होते हैं। एक डिविजनल कमिश्नर का जो ड्यूटी टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है, लेकिन अगर उनके यहाँ माहौल सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ शांत है, तो उस टाइम वो अपने ऑफिस में 10 बजे पहुँचते हैं और शाम के 5 बजे रिटर्न हो जाते हैं और वो अपने सरकारी बंगला में चले जाते हैं। सरकारी बंगला में सरकार के द्वारा एक ऑफिस भी दिया जाता है जहाँ पर वो बैठ करके ऑफिस रिलेटेड सभी काम कर रहे होते हैं। एक डिविजनल कमिश्नर को जो सरकार की ओर से बंगला दिया जाता है, वहाँ पर उनके खान पीन का देख रेख के लिए एक कुक रखा जाता है, उनके गार्डन को और बाकी सारी चीज़ों को देख रेख के लिए एक माली रखा जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में रह करके और फील्ड में रहकर किस टाइप से काम कर रहे होते हैं। एक डिविजनल कमिश्नर जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उनका पहला काम होता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं डिविजनल कमिश्नर के लिए, ताकि वो उनको चेक करे और उनके बाद कई सारी चीज़ों में उनको परमिशन देना होता है, तो वो सारे मामले को पढ़ते हैं, परमिशन देते हैं और दोबारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में रहकर जो दूसरा काम कर रहे होते हैं वो ये होते हैं कि कई सारे लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं और अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या कलेक्टर हैं अगर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं या उनकी सुनवाई नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो लोग पहुँचते हैं डिविजनल कमिश्नर के पास और डिविजनल कमिश्नर उनकी शिकायतों को सुनते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देते हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए। इसके बाद वो जाते हैं फील्ड में। फील्ड में उनके पास सबसे बड़ी पावर अगर कोई चीज़ है तो वो है निरीक्षण करने का, मतलब कि वो अचानक से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस टाइप से काम कर रहे होते हैं, किस टाइप से वो डिसीज़न ले रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों का अचानक निरीक्षण करते हैं और ऑन द स्पॉट वो डिसीज़न भी ले सकते हैं। और अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सही से काम नहीं कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पर वो निलंबित भी कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर वो फील्ड में देखते हैं कि उनके अंडर में सब डिवीज़न में जो STM है वो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर भी निरीक्षण कर रहे होते हैं और ऑन द स्पॉट वहीं पर वो अपना डिसीज़न भी सुना सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कि उनके अंडर में जितने भी ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स को बुलाते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं और उस बैठक की मेन अध्यक्षता का जो काम है वो डिविजनल कमिश्नर कर रहे होते हैं। इसके बाद डिविजनल कमिश्नर के एरिया में मान लीजिए कि किसी भी टाइप का डिजास्टर हुआ है तो इसका रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और STM दोनों तैयार कर रहे होते हैं अपने अपने एरिया में, और इस रिपोर्ट को जब गवर्नमेंट तक पहुँचाना होता है तो चेक करने का काम डिविजनल कमिश्नर कर रहे होते हैं। एक डिविजनल कमिश्नर चाहे तो अपने डिवीज़न में हर चीज़ को सही कर सकते हैं, ऑफिसर्स के अंडर में जितने पावर होते हैं उन पावर्स का यूज करके अपने काम को सही से करके अपने एरिया को बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से होता है एक डिविजनल कमिश्नर का पूरा दिन, जहां पर उनको ऑफिस में भी काम करना होता है और फील्ड में भी जाना होता है।